वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम गए थे श्रीनगर लोकल टूर पर, जिसमें हमने श्रीनगर की सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस को कवर किया था। और आज का दिन उससे भी ज्यादा स्पेशल और एक्साइटिंग होने वाला है। श्रीनगर के दिल में बसी है डल लेक, जिसको देखे बिना हमारा श्रीनगर टूर कैसे कम्प्लीट हो सकता है। और डल लेक में आके शिकारा बोट पे घूमना तो बनता ही है। तो दोस्तों, आज हम घूमने जाएंगे डल लेक और डल लेक की फेमस शिकारा राइड का भी मजा उठाएंगे। साथ ही साथ आज शाम को हम स्टे करेंगे डल लेक में ही सिचुएटेड एक हाउस बोट में। आप सब इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, जिसमें हम शिकारा राइड से लेकर हाउस बोट स्टेज का पूरा एक्सपेंस भी कवर करके चलेंगे। हम खड़े हैं डल लेक के घाट नंबर 6 पे एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर आवर शिकारा राइड। शिकारा एक तरह की छोटी बोट होती है, जिसमें बैठ के आप पूरी डल लेक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, हमने ये ट्रिप एक ट्रैवल एजेंसी से प्लान करवाई थी। इसमें हाउस बोट स्टेज के साथ साथ एक घंटे का शिकारा राइड भी कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। अगर आप अपने एक्सपेंस पे शिकारा राइड लेने जाएंगे तो इसके लिए वो आपसे 1000 से 1500 रुपये तक मांगेंगे, बट बार्गेन करेंगे तो 400 से 500 रुपये में वो मान जाएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फ्रेंड्स, आपको बस यहाँ पर ही नहीं, पूरे कश्मीर में स्मार्टली बार्गेन करके चलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे टूरिस्ट को देख के 2 से 3 गुना ज्यादा रेट्स बताए जाते हैं, जो पहले दिन ही आपके ट्रिप को ओवर बजट बना सकते हैं। दोस्तों, डल लेक और शिकारा का हमारे बॉलीवुड से काफी पुराना कनेक्शन रहा है। ये वही जगह है जहाँ पे 1964 में कश्मीर की गली मूवी का सुपर हिट सॉन्ग शूट हुआ था। ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें कहता, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। डल लेक काफी शांत है और बैकग्राउंड में जबरवन हिल्स इसको एक पिक्चर परफेक्ट स्पॉट बनाते हैं। आप यहां पे ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेसेस में भी अपना फोटोशूट करवा सकते हैं, जिसकी एक फोटो का प्राइस 150 से 200 रुपए रहेगा। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, जिससे यहाँ का व्यू और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और ऐसे मौके पे गर्मा गर्म कश्मीरी कहवा पीना तो बनता है, जिसके एक ग्लास का प्राइस 30 रुपए है। कहवे के साथ साथ आप यहाँ के स्ट्रीट फूड जैसे कि भुट्टा, बारबेक्यू और फिश कबाब भी इंजॉय कर सकते हैं, जो शिकारा पे ही बनाए जाते हैं। अब हम आ गए हैं डल लेक की फ्लोटिंग मार्केट में। यहाँ पे कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, ड्राई फ्रूट्स और सैफ्रोन की काफी शॉप्स हैं, बट हमारी ये रिकमेंडेशन रहेगी आप यहाँ से कुछ भी परचेज ना करें, क्योंकि यहाँ सभी चीजें काफी ओवरप्राइज्ड हैं और क्वालिटी की भी कोई गारंटी नहीं। अगर आपको शॉपिंग ही करनी है तो आपको इन्हीं सब चीजों को पहलगाम से लेना चाहिए, जहाँ पे हम आपको आने वाली वीडियोज में लेके जाएंगे। डल लेक में घूम के आप लोकल कश्मीरी कल्चर को काफी करीब से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग डल लेक में ही कई तरह की सब्जियां भी उगाते हैं। एंड नाउ आफ्टर एंजॉइंग आवर शिकारा राइड, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर हाउस बोट चेक इन। फ्रेंड्स, डल लेक में हाउस बोट तक पहुंचने के लिए भी आपको शिकारा से ही जाना पड़ेगा। रोड और हाउस बोट के बीच में आने जाने के लिए शिकारा बोट की सर्विस हाउस बोट वाले की तरफ से फ्री रहती है। हमारी हाउस बोट घाट नंबर 6 के पास है। हम निकल गए अपने हाउस बोट के लिए। ट्रैवल एजेंसी की तरफ से जो हमारी हाउस बोट बुकड है, उसका नेम है मॉर्निंग ग्लोरी। अगर आप अपने एंड से डल लेक में हाउस बोट बुक करते हैं तो इसका स्टार्टिंग प्राइस रहता है 2500 से 3000 रुपए तक। अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो थोड़ा एडवांस में ही इसकी बुकिंग करके चलें। अपनी हाउस बोट के जितने पास हम पहुंचते जा रहे हैं, हमारी एक्साइटमेंट उतनी ही बढ़ती जा रही है। ये हाउस बोट दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है। इसके कश्मीरी इंटीरियर से लेके कारपेट्स तक सभी चीजें एक रॉयल पैलेस वाली वाइब्स दे रही हैं। अगर आप शोर शराबे से हटके दो पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो श्रीनगर में एटलीस्ट एक रात के लिए आपको हाउस बोट में जरूर रुकना चाहिए। इस हाउस बोट में भी हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहेगा। इधर डिनर भी हमारी चॉइस का ही बन रहा है।
कल दिन भर रेस्टोरेंट्स में खा के अब हमारा मन है थोड़ा कश्मीरी स्टाइल होम कुक्ड फूड खाने का। डिनर के साथ साथ हमारी ट्रेवल एजेंसी ने हमें एक सरप्राइज केक भी भेजा, जिसको हमने डिनर के बाद एंजॉय किया। फ्रेंड्स, बात करें यहाँ के रूम्स की तो इसका इंटीरियर भी कुछ कम नहीं। इस पूरे हाउस बोट में बस दो रूम्स हैं जिसमें मैट्रेस हीटर लगे हुए हैं जो काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे कश्मीर ट्रिप का सेकेंड डे खत्म होता है। अगर आपको हाउस बोट या शिकारा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इससे पिछली वीडियो में हम आपको श्रीनगर की टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे लेके गए थे, वो वीडियो भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आने वाले अगले वीडियोस इससे भी ज़्यादा अमेजिंग और एक्साइटिंग होने वाले हैं। आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस सीरीज की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, कीप स्ट्रोलिंग एंड स्टे ट्यून्ड।